सो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने VMware में कैसे इंस्टॉल करें। सो इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने चैनल पे पहले ही एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, बट वो काफी पुरानी हो चुकी है। और उसके अंदर जो हमने पैरट OS इंस्टॉल करा था वो था वर्चुअलाइजेशन वाला, मतलब कि वो VMware और वर्चुअल बॉक्स इन सब के लिए ही बना हुआ था, तो वो बाकी सबसे अलग था और उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बाकियों से अलग था। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो ओरिजिनल पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी, पैरट सिक्योरिटी, हम उसको इंस्टॉल करके देखेंगे अपने VMware में। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े हुए हैं, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप पैरट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। डायरेक्ट आपको डालना पड़ेगा गूगल पे पैरट OS डाउनलोड और टॉप पे उसकी वेबसाइट जाके खुल जाएगी। उस पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मेट अलग डाउनलोड कर सकते हैं, KDE डाउनलोड कर सकते हैं, KDE वाला वर्जन उसका, या फिर आप वर्चुअलाइजेशन वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये दो, पहला है वर्चुअल बॉक्स के लिए और दूसरा जो उसका पैरट सिक्योरिटी है और उसका वर्जन दे रखा है 4.7 और आर्किटेक्चर है इसका 64-bit वाला। साइज़ की बात करें तो ये वर्चुअल वाला है 5.11 GB का और ये पैरट सिक्योरिटी है ये है 3.94 GB का, तो ये थोड़ा सा कम है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैं क्या ही रेकमेंड करूँ इसके अंदर। Stop it. Get some help. तो आज हम इंस्टॉल करेंगे इसको अपने VMware पे। तो पहले VMware को ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहले की मेरी मशीन्स बना रखी थी वो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि छेड़छाड़ करता रहता हूँ यार मैं उनके साथ, मतलब कभी कुछ छेड़छाड़ करते करते उसके अंदर पता नहीं क्या ही खराब सा हो गया था। और कभी कभी होता है कि मतलब कुछ खराब हो जाए तो सीधा उसको निकाल मारो अगर ठीक नहीं हो रहा और नहीं बना लो, तो आज नहीं बनानी थी, तो इसलिए वीडियो के लिए टॉपिक भी मिल गया और मेरा काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गया और बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे सीधा होम पे और उसके बाद हम करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, टिपिकल कस्टम, हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। मैं टिपिकल जो रेकमेंडेड है, चाहे तो कस्टम एडवांस भी कर सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे टिपिकल कर देता हूँ और वो रेकमेंडेड भी है। उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं इंस्टॉलर डिस्क इमेज, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अभी ये एंड्रॉइड सिलेक्ट है, मतलब पहले कभी मैंने बनाया होगा तो वो वाला सिलेक्टेड है। तो यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा और ये ऑटोमेटिक उसी में जाके खुलेगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पैरट सिक्योरिटी। यहाँ पे मैसेज आपको शो करेगा बट ये इग्नोर कर देना इसको और नेक्स्ट कर देना। उसके बाद ये लिनक्स है और नीचे दे रखा है डेबियन, आप इसको यही रहने दीजिए। अगर ऑटोमेटिक डेबियन 9 सिलेक्ट कर रहा है 64-bit वाला तो यही रहने दीजिए, अदरवाइज कुछ चेंज वेंज हो रहा है तो आप उसको ये वाला कर देना अपना डेबियन 9 64-bit वाला। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें कर देना स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, देन साइज को 20 कर सकते हैं बट मैं काम करता हूँ मैं 40 कर लेता हूँ, 40 बेटर रहेगा, रेकमेंडेड तो 20 ही रहता है बट मैंने 40 कर लिया। मिनिमम 20 करो या 16 करो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आ चुका, अब एडिट कर लो या फिर यहाँ पे एडिट करके भी कर सकते हैं और या फिर जो हमें चेंज करना है उस पर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक मारूंगा और यहाँ पे उसकी सेटिंग खुल के आ चुकी है। तो रैम मैं इसको इस बार देना चाहता हूँ 2 GB और 2 GB पे क्लिक कर दो। अगर आपको बीच में से देनी है तो ऐसे ऐसे करके हिला सकते हो, ऐसे बीच में से दे दो ना, क्या जा रहा है। तो ये जो रिकमेंडेड रैम इसकी बोली जाती है वो इतनी ही होती है, 2 GB रैम में अच्छे से काम कर जाता है ये, 2 GB दे दो। अगर आपके पास ज़्यादा है तो 4 GB दे दो। उसके बाद प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर मैं काम करता हूँ इसको 2 दे देता हूँ यहाँ पे। देन हार्ड डिस्क 40 हमने कर रखी थी। देन उसके बाद नेटवर्क अडेप्टर, तो नेटवर्क अडेप्टर को ब्रिज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी फिजिकल मशीन में कनेक्शन ऑन करेंगे, मतलब वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पैरट में कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट उसमें भी आप चला सकते हैं। देन मैं इसको कर दूंगा ओके। बस हमें इतना सारा ही करना था और कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह हमें करने नहीं थे। उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे खुल चुका है, सबसे ऊपर ये बता रहा है लाइव मोड, हम इसको लाइव भी चला सकते हैं और ढेर सारे मोड हैं। बट हम नीचे जाएंगे इंस्टॉल में और यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉल विद GUI, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ ये मतलब ग्राफिकली वाला। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और सेम ऐसा ही रहेगा, आप काली लिनक्स जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी सेम रहता है। इसके बाद का तो आई थिंक सारा का सारा सेम ही रहता है, काली लिनक्स जैसा ही है, दोनों एक ही जुड़वा भाई हैं अपने। अभी इसको फुल स्क्रीन कर दिया है, अब यहाँ पे आ चुका पैरट OS और हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारा कर्सर काम करेगा, पहले कर्सर काम नहीं करेगा, और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे कंटिन्यू। इसको भी हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देंगे, इंग्लिश भी हम लोग यही वाली रहने देंगे। तो जिस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो मैं उसको या तो स्पीड अप कर दूंगा या फिर उस पार्ट को क्रॉप कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बेमतलब में लंबी नहीं करनी है, ये अपने आप होता रहेगा, जो भी हो रहा है ऑटोमेटिक होता रहेगा, मेरे को छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास रूट पासवर्ड, तो रूट पासवर्ड अगर आप नहीं डालेंगे, मतलब जो आपका डिफ़ॉल्ट रूट पासवर्ड रहता है वो रहता है TOOR टूर, बट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं डाल देता हूँ।
उसके बाद यूजर का नेम पूछ रहा है, तो यूजर का नेम तो मैं कर देता हूँ भाई साइबर ऋषि। देन उस यूजर का पासवर्ड। अब आ जाता है हमारे पास ये ऑप्शन पार्टीशन डिस्क वाला या फिर डिस्क पार्टीशन वाला, अगर विंडोज की लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर आप पैरा 2S को परमानेंटली अपने लैपटॉप या पीसी में डाल रहे हैं तब तो हमें इस झमेले में पड़ने की जरूरत है, वरना इसको जितना जल्दी हो सके निपटा दो। तो यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू, मेरे को पूरी यूज करनी है और हाँ यही वाली है मेरी, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद ये बता रहा है कुछ ऑप्शंस, उसके बाद ये पार्टीशन स्कीम बता रहा है ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, मतलब सारी फाइल्स एक ही पार्टीशन में ही, तो ये बोल रहा है रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर या फिर आप अलग अलग भी बना सकते हैं, मतलब होम पार्टीशन होम वार ये, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर और कर देंगे इसको यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे इसने हमें स्टेटस शो कर दिया कि प्राइमरी जो तुम्हारी है वो इतनी है और लॉजिकल तुम्हारी भाई साहब इतनी है, तो अपना अपना देख लो। देन हम करेंगे यहाँ पे फिनिश पार्टीशन, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये हमें एक मैसेज शो कर रहा है कि भाई साहब तुमने स्वैप स्पेस के लिए कोई पार्टीशन नहीं बनाया है, बना लो स्वैप स्पेस के लिए पार्टीशन, वो तुम्हारी फिजिकल मेमोरी ये वो छोड़ो यार इसको, हम क्यों बनाए, हम इसको नो कर देंगे। वो ये बैक करने के लिए बता रहे कि बेसिकली तुम बैक कर लो और जाओ कर लो, तो हम इसको नो कर देंगे, नहीं हमें बैक नहीं करना, हमें बस इसे चलाना है। तो अब ये शो कर रहा है कि डिस्क में चेंजेस करने हैं, तो हाँ चेंजेस करने हैं यस, एंड देन मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। उसके बाद ये टाइम लेगा थोड़ा सा। तो अब जो प्रोसेस है इंस्टॉलिंग द सिस्टम, ये बहुत टाइम ले लेता है, डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर कि वो कितना टाइम ले रहा है कितना टाइम नहीं लेगा। तो अभी मैं इसको वीडियो को यहीं पे कट कर देता हूँ और सीधा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं इसको वापस ऑन करूंगा। तो वो इंस्टॉल होने में लगे यार सच में 30 मिनट लग गए उसको इंस्टॉल होने में। उसके बाद यहाँ पे आ गया इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे /dev/sda, और यहाँ पे जो हमारा ग्रब बूट लोडर है वो इंस्टॉल होगा, और ये भी फिर से बहुत सारा टाइम लेगा आई थिंक। तो उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, और उसके बाद यहाँ पे आ गया फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन, तो थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, उसके बाद हम लोग अपने पैरा 2S को मस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसने हमें बता दिया इंस्टॉलेशन कंप्लीट और हमको करना है बस यहाँ पे कंटिन्यू। सो जब तक यहाँ पे फिनिश होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये खुद करेंगे, मतलब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल खुद करेंगे अपने VMware पे, तो कितना टाइम आपको लगेगा अगर आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप है। तो मेरे लैपटॉप के अंदर है अभी 4GB रैम, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आई होप आगे चल के मैं इसको अपग्रेड भी करूँ। तो 4GB रैम और बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको लगा पूरा 1 घंटा लगा, मतलब इसको, मतलब वो इंस्टॉल होने में मैंने स्टार्टिंग में बताया था 30-35 मिनट लग गए, उसके बाद हर इंस्टॉलेशन को मतलब 1-1, 2-2, 3-3 मिनट भी लेकर चले, और स्टार्टिंग में वो सिलेक्ट वगैरह करने में आपको टोटल 1 घंटा लग जाएगा। हो सकता है 40 मिनट में भी आपका काम खत्म हो जाए, 50 मिनट 1 घंटा, बट 1 घंटा आप लोग लेकर चले कि पूरा का पूरा प्रॉपर आपका पैरा 2S आपके VMware में इंस्टॉल हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा पैरा 2S चल चुका है, उसने सबसे पहले जो साइबर ऋषि यूज़र था उसका नाम दे दिया। हम यहाँ पे रूट भी चला सकते हैं, अदर में करके रूट टाइप करेंगे रूट चल जाएगा, बट अभी मैं यहाँ पे करता हूँ साइबर ऋषि। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना पासवर्ड जल्दी से, उसके बाद सामने शो हो जाएगा हमारा न्यू का न्यू सिस्टम। तो ये आ चुका हमारा पैरा 2S हमारे सामने एकदम न्यू एकदम फ्रेश। इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको कस्टमाइजेशन के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो अपने चैनल पे मैं डाल चुका हूँ, वो आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी बात रही एथिकल हैकिंग की और DNS की, भी हमारी सीरीज चल रही है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, और इसको अभी अपडेट वगैरह नहीं करना। तो हो गया हमारा काम यहाँ पे, इसको मैं बाद में सेट वगैरह कर लूँगा। तो यही था आज की इस वीडियो में कि हम लोग पैरट OS को अपने VMware में कैसे इंस्टॉल करें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पूरा इंस्टॉलेशन बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आके पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आई होप मैं डाल दूं। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।